शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे कपास की अधिक मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष दर वर्ष 76.5% अधिक हैं, जबकि पिछले महीने में 11.7% बढ़ी हैं। CCI के अनुसार जनवरी 2022 तक बाजार वर्ष 2021-22 फसल की आवक 18.27 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो 3 साल के औसत से 9% कम है। CAI ने 2021-22 सीजन में कपास के उत्पादन अनुमान को 12 लाख बेल घटाकर 348.13 लाख बेल कर दिया है, जबकि पिछला अनुमान 360.13 लाख बेल उत्पादन का था। वहीं घरेलू खपत में 10 लाख बेल की बढ़ोतरी हुई है। USDA ने अपनी मासिक रिपोर्ट में भारत में कपास के उत्पादन को पिछले महीने के 28 मिलियन बेल से घटाकर 27.5 मिलियन बेल कर दिया है, जबकि सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका में कपास के उत्पादन में 3.61% की कटौती करके 17.6 मिलियन बेल कर दिया गया है। बात करें अगर वायदा बाजारों की, तो MCX कॉटन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। MCX पर कॉटन की कीमतें 38,000 के नीचे लुढ़की हैं। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक साल 2022 में कॉटन की कीमतों में तेजी ही देखने को मिलेगी, लेकिन वर्तमान में कीमतों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बड़ी तेजी के बाद यहां से मार्केट थोड़ा दायरे में रह सकती है। अजय केडिया के मुताबिक MCX कॉटन की कीमतें यहां से अब नीचे में 35,500 से 36,000 तक जाती दिखाई दे सकती हैं। कॉटन में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। लंबी अवधि में टारगेट अभी भी 40,000 का ही दिखने को मिलेगा। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।